हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो बात करें हम अपने ज्योग्राफी क्लास की, तो इसमें हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने जितने भी टॉपिक थे अध्याय में सारा का सारा पढ़ा। उसके बाद हमारा चौथा अध्याय चल रहा था, और चौथे अध्याय में अगर बात करें तो हमने सबसे पहले भू आकृति हमारा था टॉपिक, ठीक है ना। भू आकृति हमारा क्या था, चैप्टर था, और इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पृथ्वी की संरचना, ठीक है ना। तो पृथ्वी की संरचना पढ़ा, हमने। उसके बाद हमने पढ़ा अपना भूकंप, ठीक है ना। तो कल की जो क्लास हुई थी वो भूकंप पे हुई थी, और भूकंप से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी पे हमने बात की थी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जितने भी इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं और बन सकते हैं, ये सारे चीज़ें आपके हम पढ़ेंगे। अभी तक जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर पिछली क्लास देख ले। इसकी जो लिंक है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब तक के हमने 8 क्लास कर ली है ज्योग्राफी की, ठीक है ना। और बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की भी क्लास आपको 8 हो चुकी है आपकी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इस क्लास की मिलती रहे। और क्यों आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्यों बेल आइकन दबाना है, और क्यों आप ये क्लास देखेंगे, ऐसा क्या है इस क्लास में, तो मैं बता दूँ, इस क्लास में ये है कि ये पूरा का पूरा आप जो सोचते थे कि आपको बना बनाना बिल्कुल एनसीईआरटी की पूरी नोट्स मिल जाए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का नोट्स है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, एनसीईआरटी की नोट्स है। और अगर आपको लिखना नहीं है भाई, और अच्छे से आप चाहते हैं कि आपको बुक्स में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप कोई समझा दे पढ़ ले आप, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ही नहीं, या फिर सीटेट के लिए ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भी परीक्षा होता है, जो भी हमारी जो है वैकेंसी आती हैं, जितने भी हम अपना कंपटीशन देते हैं, तो उनमें आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बताना आपको ज़रूरी था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये क्लास लेना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी आपकी पूरी तैयार हो जाए, आपका प्रश्न ना छूटे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए है। अब शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे क्या है ये देखेंगे। देखिए, ज्वालामुखी जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, एक छिद्र अथवा दरार होती है। क्या होता है ज्वालामुखी, कैसा होता है आप देखते हैं, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है, ज्वालामुखी आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे ऐसे, इधर को ऐसे ये होता है, ये क्या है पूरा आपका, यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक छिद्र होता है, ये दरार होती है, और इसके अंदर से क्या होता है, ये मैग्मा निकलती है जब विस्फोट होता है इसके अंदर, तो ये क्या है मैग्मा, जिसे जो बाहर आकर क्या बन जाता है, जब सूखता है तो ये लावा बन जाता है, जब तक ये लावा अंदर रहता है तो ये क्या होता है आपका, तरल में होता है, मैग्मा होता है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है तो ये आपका मैग्मा बन जाता है। और ये जो भाग है ना इसका, यानी जो आपका ये जो मुंह है ना, इसको आप क्या कहते हैं, क्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से, क्रेटर के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। तो ज्वालामुखी जो है एक छिद्र है, या फिर आप इसे दरार भी कह सकते हैं, जिससे होकर पृथ्वी के तप्त गर्म लावा, जिसके अंदर से यार जब आप देखते हैं गैस पे आप कोई चीज़ रखते हैं उबलने के लिए, तो देखते हैं उबलता है, यानी मान लीजिए आप दूध या चाय रखे हैं, तो गैस में देखते हैं जब गर्म होने लगता है वो तरल पदार्थ, तो क्या होता है बाहर को उबलने लगता है कि नहीं। तो उसी तरह पृथ्वी के अंदर है जो तप्त गर्म पदार्थ होते हैं ना, वो बाहर निकलने लगते हैं,
इसमें आपका लावा होता है जिसे आप मैग्मा कहते हैं, ये बाहर जब निकल के सूख जाता है ना तब ये मैग्मा हो जाता है, लेकिन जब यानी लावा हो जाता है, लेकिन जब तक ये पृथ्वी के अंदर होता है ये क्या होता है, मैग्मा होता है। ओके। और तरल चट्टानी पदार्थ आदि धरातल पर पहुँचते हैं, तो ये बाहर अंदर से क्या होता है, बाहर को निकलते हैं। और अब देखते हैं वल्केनों का जो विस्फोट होता है तो तरल पदार्थ निकलते आग जैसा भभकता हुआ दिखता है ना, वही सूखे क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। तो ऐसे आपका होता है ज्वालामुखी विस्फोट। बात करें यहाँ पे ज्वालामुखी निर्माण तथा विस्फोट की प्रक्रिया के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में इसके ठंडे होने की विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इस क्रिया में यदि पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या सब अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, ये ना आपका हमेशा एक्टिव रहता है, ये निकलता रहता है, ठीक है ना। इससे जो अंदर के जो जो पदार्थ होते हैं ना, तरल हो चाहे कोई भी हो, तो वो बाहर निकलते रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ज्वालामुखी भी कई प्रकार के हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है जब वो लगातार सक्रिय होता है, ठीक है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है। मेंटल यानी आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो ये जो भाग था ये क्या था, भूपर्पटी था। ये कौन सा भाग था, ये था आपका बीच वाला, ये मेंटल था, और ये आपका क्या था, क्रोड था, है ना। तो जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है, ठीक है ना, जब मेंटल के क्या होता है, ऊपरी भाग में होता है, तो ये क्या होता है, मैग्मा होता है। तथा जब यह भूपटल के ऊपर जाता है, यानी मैं यहाँ समझाना चाहूँगी, ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड कर दिया, ये भूपर्पटी है, ये मेंटल है। तो मेंटल के जब ऊपरी में रहता है, यहाँ पे अगर रहता है, तब तक तो ये मैग्मा होता है, लेकिन जैसे ही ये भूपर्पटी पे आ जाता है, यानी धरातल पर आ जाता है जहाँ पे हम रहते हैं, तो ये फिर आपका क्या हो जाता है, लावा बन जाता है। मैंने अभी बताया और मैंने दोबारा भी बता दिया, ठीक है ना। तो ये लावा बन जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी, बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन, यौगिक सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन आदि शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं ज्वालामुखी के अंदर, ठीक है ना। ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। ज्वालामुखी के अंग आपका आ जाता है ज्वालामुखी शंकु, जिसे आप वॉल्केनिक कोन कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र होता है जो वॉल्केनिक विंट होता है, ज्वालामुखी नली होती है जिसे आप पाइप कहते हैं, और फिर आपका आता है ज्वालामुखी क्रेटर। मैंने अभी जब बताया था आप वहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसे सबसे पहले हम तो इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो है डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो ज्वालामुखी शंकु होता है वो क्या है, धरातल से निकला पदार्थ जो होता है जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है, ठीक है, तो होने लगता है, तो इससे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। तो जब भी पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है उसके चारों तरफ जम जाता है, ठीक है ना, चारों तरफ जम जाता है। अब ऐसा देखिए, जब किसी भी पाइप से आप कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पाइप के चारों तरफ लगेगा नहीं, तो उसी तरह इसका है, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है और यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है, और यह बड़ा होने पर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, बड़ा होने पर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। बात करें ज्वालामुखी छिद्र की, तो ज्वालामुखी छिद्र धरातल से तप्त लावा राख जिस दरार से आता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। बहुत इजी, आई होप समझ में आ गया होगा। यह ज्वालामुखी पर्वत के बीच में होता है। तो ये जो ज्वालामुखी छिद्र है ये पर्वतों के बीच में पाई जाती है, ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं उनके बीच। ज्वालामुखी नली की बात करें तो ज्वालामुखी छिद्र का संबंध धरातल के नीचे भूगर्भ से होता है, ठीक है ना। किसकी, ज्वालामुखी छिद्र की बात हो रही है। जो एक नली के रूप में होता है उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं, इसे निकास नली भी कहते हैं। अब आता है आपका ज्वालामुखी क्रेटर, मैंने बताया था आपको, और क्रेटर आपका ऊपरी भाग होता है, ये होता है, ठीक है ना, ठीक है।
क्रेटर है, ये आपका क्या है, ज्वालामुखी क्रेटर है। और जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, जब ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है वो जब बड़ा हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। तो जब धसाव होता है उसके वजह से अगर ये इसका मुंह बड़ा होता है तो ये क्या होता है, कॉल्डेरा कहलाता है। लेकिन जब ज्वालामुखी का छिद्र अपने आप से ही जो है इसका जो छिद्र है यानी इसका जो मुंह है ये बड़ा होता है तो ये क्या कहलाता है, ज्वालामुखी क्रेटर या फिर ज्वालामुखी मुख कहलाता है। तो ये क्या है, ज्वालामुखी छिद्र है, ये आपका क्या है, ज्वालामुखी छिद्र है। एक मिनट, तो ये जो है आपका क्या है, ज्वालामुखी छिद्र है, ठीक है ना, ये ज्वालामुखी छिद्र है और इसी को आप ज्वालामुखी छिद्र या फिर क्रेटर कहते हैं। ये क्या है, ज्वालामुखी की पाइप है, आपने भी पढ़ा था, ठीक है ना। और ये जो है आपका ज्वालामुखी का शंकु है। तो ये जो लावा बाहर निकलते हैं ना ये क्या करते हैं, शंकु का निर्माण कर देते हैं, देख रहे हैं ना, ये क्या है, शंकु है। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी अगर बात करें उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से, जैसे शील्ड ज्वालामुखी होगी, तो शील्ड ज्वालामुखी क्या है, बेसाल्ट प्रवाह के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो शील्ड ज्वालामुखी आपका कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये हवाई द्वीप पे पाया जाता है, ठीक है ना, शील्ड ज्वालामुखी। तो ये जो ज्वालामुखी होता है ये जितने भी ज्वालामुखियाँ होती हैं उनमें सबसे विशाल होता है शील्ड ज्वालामुखी। ओके, शील्ड ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बना होता है यानी निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। तो जब भी आपका जो मैग्मा होता है जब ये बाहर निकलता है तो ये क्या होता है, इनके ठंडे होने से बनता है, या लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, जब निकलता है तब तो ये तरल होता है, तभी तो निकलेगा। इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है, यानी इनका जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता है। यदि निकास नली से पानी अंदर चला जाए तो यह ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। तो जिस मुंह से ये निकलता है, ये ज्वालामुखी जिस मुंह से निकलता है, अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये क्या होता है, विस्फोट भी हो सकता है। हालांकि कम विस्फोट होना इनकी विशेषता है, तो ये कम विस्फोट होते हैं, ठीक है ना। कौन, शील्ड ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, जैसे फव्वारा होता है ना आपका वैसे, और निकास पर एक शंकु बनाता है। तो निकास पर शंकु बनाता है, मैंने दिखाया शंकु कैसा होता है, ये आपका क्या है, ये क्या है, शंकु होता है। जब भाई अंदर से जो तरल है वो निकलेगा तो ये लेयर तो बनेगा ही इधर को, है ना, तो इसे आप क्या कहते हैं, सिंडर शंकु कहते हैं। तो सिंडर शंकु के रूप में जाना जाता है जो शंकु होता है। मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें तो मिश्रित ज्वालामुखी में से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक, ये क्या है, इस ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा या चिपचिपा लावा का उद्गार होता है। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी है इसमें ठंडा, अधिक ठंडा और गाढ़ा या फिर चिपचिपा लावा का उद्गार होता है। प्रायः ज्वालामुखी भीषण जब विस्फोट होता है भयंकर, तब ये निकलता है। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्मी, ठीक है ना, ज्वलखंडाश्मी पदार्थ और आपका राख भी धरातल पर पहुंचते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, बात करें ज्वालामुखी कुंड की, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी हैं। तो आपसे पूछेगा पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कौन है सबसे अधिक, तो वो क्या है आपका, ज्वालामुखी कुंड। ओके, सामान्यतः ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोटक होता है यानी विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा, ठीक है, बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है ये लाइन, इनसे धंसे हुए विध्वंस गर्त या फिर लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं,
तो जो लावा से गिरता है उस वहाँ से क्या होता है, विध्वंस यानी गर्त बन जाता है या फिर गड्ढा बन जाता है। तो वो क्या है, आपका ज्वालामुखी कुंड होता है। ये जब आपका विस्फोटक होता है तो ये जो है बहुत तेज़ी से गिरता है और फिर यहाँ पे क्या होता है, गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। ओके, इसी को आप ज्वालामुखी कुंड कहते हैं और ये सबसे अधिक आपका क्या करता है, विस्फोटक है। ज्वालामुखी बात करें, यह एक विस्फोटक के रूप में बताता है कि इसे लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं बल्कि इनके बहुत समीप स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती हैं। अब बात करते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र की। बेसाल्ट जो है वो कहाँ पर प्रवाह होते हैं, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र में आपका बात करें तो जिसे आप फ्लूड बेसाल्ट प्रोवाइंसेस कहते हैं, ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक विस्तृत होते हैं, ठीक है ना। संसार के कुछ भाग घने लावा प्रवाह हजारों वर्ग किलोमीटर से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत हो जाता है। तो ये बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है आपका। बात करें मध्य सागर महासागरीय कटक ज्वालामुखी, तो मध्य महासागरीय की बात हो रही है। कटक ज्वालामुखी जिसे आप मिड ओशियन रिट्स कहते हैं, ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य कटक ज्वालामुखी है, ठीक है ना। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो आपका 70,000, ठीक है ना, 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होती है, ठीक है। और सभी महासागरीय बेसिनों में पाई जाते हैं, यानी फैली हुई हैं। कौन, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगभग लगातार उद्गार होता रहता है। ओके, जो आपका जो है ये मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी है, ये आपका लगातार उद्गार होता है, ठीक है ना। मध्यवर्ती भाग में इसके कटक के जो मध्यवर्ती भाग होता है उसके जो अंदर है ये लगातार उद्गार होता रहता है। अब बात करते हैं उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है ना। तो उद्गार की जो तीव्रता है, तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार देखना है। बात करें अब तो ये सक्रिय ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना। ज्वालामुखी को उद्गार की तीव्रता के आधार पर मुख्य रूप में से तीन प्रकार में बांटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है, सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन अर्थात उद्गार होता रहता है। इसका मुख सर्वदा खुला रहता है, यानी हमेशा खुला रहता है और आसपास समय समय पर लावा धुआं अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं। इससे एक शंकु का निर्माण होता है। सिसली द्वीप का स्त्रांबोली ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। तो जो एटना है ये कहाँ पर है, तो ये इटली में है, इटली की ज्वालामुखी है। और जो सिसली स्त्रांबोली है ये भी यहीं पर है। तो ये क्या है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो स्ट्राम जो बोली है ना, सिसली द्वीप का जो स्ट्रांबोली जो है ज्वालामुखी है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस द्वीप पर स्ट्रांबोली ज्वालामुखी स्थित है, तो ये आपका सिसली द्वीप हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि जो स्ट्रांबोली ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, या फिर इसको और क्या कहते हैं, तो ये आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रांबोली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो स्ट्रांबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये जो है ना आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ये 2500 वर्षों से सक्रिय है आपका, ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। हालांकि जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं सिर्फ दो ही नहीं है बल्कि और भी हैं, ठीक है ना। तो वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका जो मेल लिस्ट है ना वो शॉर्ट जब नोट्स होते हैं या फिर आपका मैं बता दूंगी जो है एक 1 मिनट के जो आपके शॉर्ट आते हैं ना, शॉर्ट वीडियो, उसमें दे दिया करूँगी, तो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना, इसकी चिंता ना करें। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें, जैसे आप डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, ये वे ज्वालामुखी होती हैं जिनसे ऐतिहासिक काल में कोई उद्भेदन या विस्फोट नहीं हुआ। यानी पिछले कई समय टाइम से अगर बात करें, कई सालों से इसमें अगर बात करें
जो है आपका विस्फोट नहीं हुआ है, तो ये क्या कहता है, इसकी संभावना होती है, लेकिन देखिए विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन संभावना होती है कि कभी हो सकता है। तो यह जब कभी क्रियाशील होता है तो यह इसके मुख से गैस वाष्प निकलती है। इटली का वीसुवियस जो है ना, इटली में आपका जो है आपका एटना भी है और वीसुवियस इटली में ही है। तो वीसुवियस क्या है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये इसका प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का वीसुवियस ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। तो जिनमें जिनमें अनेक वर्षों तक प्रक्षुब्ध रहने के बाद वर्ष 1931 में अचानक विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो ज्वालामुखी, ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ये हमेशा सक्रिय नहीं रहता लेकिन सक्रिय हो सकता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आता है आपका लास्ट मृत ज्वालामुखी। तो उस प्रक्षुब्ध और मृत में फर्क क्या है, प्रक्षुब्ध आपका कई समय तक नहीं विस्फोट होता है लेकिन बीच में कभी हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन जो मृत ज्वालामुखी होता है, ये ज्वालामुखी वे होते हैं जिनसे उद्भेदन की क्रिया पूरी तरह से बंद हो चुकी होती है, यानी बिल्कुल समझ लीजिए मर चुकी होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम बीमार होते हैं और फिर कभी ना कभी एक्टिव तो होते हैं, वैसे ही आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया, लेकिन जब हम बिल्कुल मर जाते हैं, ठीक है ना, अगर हमारी डेथ हो जाती है तो क्या हम सक्रिय रहेंगे फिर दोबारा, कभी नहीं। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे समझने के लिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है ना। तो ये आपका मृत ज्वालामुखी हो जाएगा और भविष्य में भी इसकी संभावनाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या हम मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मुख मिट्टी लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है। तो मृत जो ज्वालामुखी है ना, जब भी इसके अंदर से जो मलबा निकलता है, इनसे क्या होता है, इसका जो मुख होता है ये बंद हो जाता है और इसका मुख कालांतर में झील के रूप में जो है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो जब बारिश वगैरह होती है ना, तो इसके जो मुंह है ना, ये झील का जो है रूप ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी आपका इकट्ठा जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका झील बन जाएगा। तथा इसके ऊपर पेड़ पौधे उग जाते हैं और म्यांमार का जो पोपा जो है ज्वालामुखी पोपा, ये क्या है, आपका मृत ज्वालामुखी है, जो कि आपका इसका ये झील है, ठीक है ना, और ये आपका नेचुरल में ही आएगा, ठीक है ना। तो पोपा ज्वालामुखी आपका कहाँ पर है, म्यांमार में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। और म्यांमार आपका भारत से आप जानते हैं ये जो एरिया है, ये क्या है, म्यांमार का है ना। तो यहाँ पे है आपका क्या, पोपा ज्वालामुखी, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सर आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है ना। बाकी आप नहीं पसंद आती है तो ये भी रीज़न बता देंगे क्या कमी है इस क्लास में, ओके। ज्वालामुखी का उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, अब ज्वालामुखी को उद्गार के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा, जिसमें आपका केंद्रीय उद्भेदन, जिसे आप उद्भेदन यानी उद्गार होता है, तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी ये कैसे क्या होते हैं, इसमें उद्गार प्रायः एक संकरी नली या द्रोड़ी के सहारे एक छिद्र से होता है। इनके उद्गार में अंतर तथा निरंतर पदार्थों की विविधता एवं उद्गार की अवधि के अनुसार इस ज्वालामुखी को कई प्रकार में बांटा जाता है। अब बात करें इसमें केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में, तो ये कई प्रकार से बटे हैं, जिसमें आपका आता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी में शांत, यानी आप मान के चले प्रसुप्त लाइक प्रसुप्त जैसा, ठीक है ना, तो शांत ढंग से होता है और इसमें विस्फोट कम होता है, जिसका मुख्य कारण है लावा का पतला होना। तो इसके जो लावा होते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी के, वो पतले होते हैं और जो गैस होती है, गैस की तीव्रता में कमी हो का होना पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कम विस्फोट होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तो स्ट्रॉम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में इस प्रकार का ज्वालामुखी हवाई तुल्य की अपेक्षा क्रम तीव्रता से प्रकट होता है। इसके अलावा जो लावा होते हैं, तो लावा में अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। जो स्ट्रॉम्बोली तुल्य ज्वालामुखी होती है, इसमें क्या होता है, हवाई तुल्य द्वीप के का अम्ल की मात्रा कम होती है। और ये ना, जो स्ट्रॉम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है, ये हवाई तुल्य
की अपेक्षा, जो ज्वालामुखी हवाई तुल्य है उसकी अपेक्षा इसका जो क्रम तीव्रता है ना, उसके क्रम तीव्रता से प्रकट होता है। इसके अलावा में अम्ल की मात्रा कम होती है। ऐसा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप में स्ट्रांबोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। तो जो स्ट्रांबोली तुल्य है ये आपका सिसिली द्वीप में आपका उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप, तो सिसिली द्वीप के उत्तर में एक लिपारी द्वीप स्थित है, उसमें ही स्ट्रांबोली ज्वालामुखी में यह पाया जाता है। अब बात करें तो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार का ज्वालामुखी प्रायः विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है तथा इसका नामकरण भूमध्य सागर में स्थिर लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर किया गया है। ऐसे ज्वालामुखी का आकार प्रायः फूल गोभी के रूप में होता है। तो फूल गोभी आप सभी ने खाया होगा, ठीक है ना, उसके आकार का ये दिखाई देता है आपका जो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी है। ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका लिपारी द्वीप के पर स्थित है। तो लिपारी द्वीप भी दे सकता है या फिर आपका ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर जो है आपका ये लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध जो ज्वालामुखी हैं उनके आधार पर इसको बताया गया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है आपका, आपको भूमध्य सागर भी दे सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसमें ज्वालामुखी आपकी क्या होती है, भयंकर इसका विस्फोट होता है, इस ज्वालामुखी में विस्फोट भी होता है और भयंकर उद्गार भी होता है। तो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है सबसे अधिक विनाशकारी होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है, तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी अगर ऑप्शन में है तो आप इसे ही टिक करेंगे। तथा इनका जो उद्गार है सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर होता है। इससे निकला हुआ लावा अधिक चिपचिपा तथा लसरदार होता है। इनके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद पूर्णतया अधिकांशतः नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं या फिर जो है अधिकांशतः नष्ट हो जाते हैं। तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी, क्राकाटाओ ज्वालामुखी एक है। इसका जो उद्गार है जावा और सुमात्रा के बीच 1883 ईस्वी में हुआ था, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये आपका जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। जावा और सुमात्रा आप जानते हैं हमारे हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे आपका इंडोनेशिया वगैरह है, वहीं पर आप देखेंगे तो आपको ये यानी हिंद महासागर में ही सुमात्रा और जो है आपका जावा देखने को मिलेगा। उसके बीच में ही 1883 में ये विस्फोट हुआ था और ये नाम है आपका क्राकाटाओ ज्वालामुखी। तो ये भी कह पता पूछ सकता है कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है आपका ये किसका उदाहरण है, तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण है, ओके। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी वोल्केनियन प्रकार के होते हैं। इसमें अंतर केवल इतना है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसमें ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। इस प्रकार का उद्भेदन 79 के ईस्वी में विसुवियस में हुआ था। और विसुवियस कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है ना। विसुवियस कहाँ पर है, इटली में है, जिसका पर्यवेक्षण ग्रीक विद्वान पिलनी ने किया था। तो ये भी रखेंगे कि जो विसुवियस ज्वालामुखी है उसका पर्यवेक्षण किसने किया था, तो ये ग्रीक के विद्वान थे पिलनी ने किया था। और ये कब हुआ था, इस तो ये इसका जो उद्गार हुआ था ये हुआ था 79 ईस्वी में, ठीक है ना, 79 ईस्वी में जब आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। बात करें हम आपके अगला, तो अगला है आपका दरारी उद्गार ज्वालामुखी, ठीक है ना, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इसमें अगर बात करें, इसमें लावा एक दरार या भ्रंश के सहारे शांत रूप से निकलता है। इसमें गैस तथा विखंडित पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, किसमें, दरारी उद्गार में। इसके लावा के जमने से पठार का निर्माण होता है, तो किसके लावा के जमने से पठार का निर्माण होता है, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से, ठीक है ना।
पर्वत और पठार किससे बनता है, तो ये आपका आ जाएगा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी से, ठीक है ना। क्योंकि इसके जो लावा होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो बाहर आपके जो गैस होते हैं तीव्रता के कारण निकलते हैं बहुत तेज़ी से, और जो पदार्थ होता है आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसमें ज्वालामुखी बादल आकार बागल बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार, ये ध्यान में रखेंगे। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार है वो किसका उदाहरण है, तो ये आपका इसी जो है दरारी उद्गार ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत का लावा प्रदेश इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ये आपका क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लावा जो प्रदेश है वो क्या है, इसी आपका दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित हुआ है। तो अमेरिका का कोलंबिया पठार हो गया और प्रायद्वीपीय भारत का लावा प्रदेश, इसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि दरारे उद्गार वाले ज्वालामुखी को और किस नाम से जानते हैं, तो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कारण इसके, ठीक है ना, ज्वालामुखी के कारण, और कारण के बाद हम देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्वालामुखी आपका जो चैप्टर है ये थोड़ा लंबा है, तो ये जो है ना हम छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्वालामुखी जो चैप्टर है इसे हम दो दो क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर जो है लंबा क्लास रहेगा तो बोरिंग भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रीज़न है ये पढ़ के हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी का जो रीज़न है, कारण है ना, ज्वालामुखी उद्गार के ये कारण क्या हो सकते हैं ये जानिए। प्लेट विवर्तने की, यानी जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, विनाशकारी प्लेट किनारों के सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब दो प्लेट आमने सामने सरकती हैं तो उनकी आपसी टक्कर के कारण कम घनत्व, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, कम घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाती है और 100 डिग्री है ना। प्लेट जो कमज़ोर प्लेट होती हैं, यानी कम घनत्व वाला जो प्लेट है, ठीक है ना, आई थिंक यहाँ से मैंने छोड़ दिया था। तो ये आपका है आपसी टक्कर के कारण कम घनत्व वाली जो प्लेट होती है वो नीचे चली जाती हैं, और 100 किलोमीटर की गहराई में पहुँच कर यही प्लेट जो कम घनत्व वाली होती हैं ये क्या होती है, पिघल जाती है, और पिघल कर ये बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। अब आपका पॉइंट आता है कमज़ोर भूपटल का होना। तो ज्वालामुखी का लावा कमज़ोर भूपटल को तोड़कर बाहर निकलता है। प्रशांत महासागर के तटीय भाग, ठीक है ना, पश्चिमी द्वीप समूह और एंडीज पर्वत क्षेत्र के ज्वालामुखी इसका प्रमाण है, यानी उदाहरण है। तो जो एंडीज पर्वत है ना, एंडीज पर्वत पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भूगर्भ में अत्यधिक तापमान के कारण भी होता है। यह उच्च तापमान वहाँ पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। इस प्रकार अधिक गहराई में पदार्थ पिघल जाता है। तो जब भी आप जो है आप अंदर जाएंगे गहराई में, तो पदार्थ वहाँ पे क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है और पिघलना जो है आपका जायज़ हो जाता है, और भूतल के कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब बात करें तो लास्ट हमारा जो पॉइंट है रीज़न का, गैसों की उत्पत्ति की वजह से। तो समुद्र तट के निकट समुद्री जल में जल जो होती है वो रिसकर नीचे ओर चली जाती हैं और जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प के बनने से उसका घनत्व क्या होता है, उसका आयतन तथा जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है। जलवाष्प के बनने से आयतन और दबाव बढ़ जाता है, और वह क्या होता है, भूतल पर किसी कमज़ोर स्थान पर विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप जानते हैं कि आपके जो आपका सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो जलवाष्प आपका निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो है ज्वालामुखी का जो है आपका टॉपिक, और इस पर हमने अपना आधा ही किया है। और इसके अलावा आपका ज्वालामुखी से और भी टॉप पॉइंट्स हैं जो कि हम दूसरी क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्लास आपकी बोरिंग हो। तो इतना आपका काफ़ी, 30 मिनट का आपका काफ़ी है डेली का क्लास, ठीक है ना।
क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है, यानी आप आपको कुछ इसमें कमी लग रही है या फिर अच्छा लग रहा है, तो आप अपना अपने हिसाब से अपना विचार इस पर लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस क्लास की जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहाँ से क्या करेंगे फॉलो करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहाँ से आप जाकर ये PDF को ले सकते हैं। टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको डेली इसी तरह अच्छे सेशन चाहिए और PDF चाहिए तो, ठीक है ना, इससे आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ लेंगे और आप PDF से भी पढ़ लेंगे, तो आपका अच्छा खासा रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।